नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जेके और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ईकॉम सारथी में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपने आईपी इंडिया में अपने ब्रांड नेम के लिए अप्लाई किया है और वह ब्रांड नेम आपको अलॉट हो चुका है, तो अब आप अमेज़न पर ब्रांड रजिस्ट्री कैसे करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, तो अब बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, जब आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया की तरफ से ब्रांड अप्रूवल हो जाता है, तो आपने आईपी इंडिया में उस ब्रांड का फॉर्म सबमिट करते वक्त जो एड्रेस और मेल आईडी फॉर्म में फिल की थी, उन दोनों पर ही आपको ब्रांड रजिस्ट्री सर्टिफिकेट आता है। जब आपको ये रिसीव हो जाता है, तो फिर आप इसे अमेज़न पर ब्रांड रजिस्ट्री करवाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब इस ब्रांड रजिस्ट्री प्रोसेस को जानने के लिए कि ये किस तरह से होता है, हम चलते हैं हमारे अमेज़न सेलिंग अकाउंट पर। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं हमारे सेल सेंट्रल अकाउंट पे, और यहाँ आने के बाद में हम देखिए यहाँ पे राइट साइड में जो सर्च बार है, यहाँ पर हम टाइप करेंगे ब्रांड रजिस्ट्री एप्लीकेशन, और इसके बाद हम इसको स्क्रॉल करेंगे। और स्क्रॉल करने के बाद देखिए यहाँ पे है अमेज़न ब्रांड रजिस्ट्री, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ आएगा इन्फॉर्मेशन पेज, तो इसे हम क्लिक करेंगे। देन आफ्टर ये एक नया पेज हमारे सामने ओपन होगा, और देखिए यहाँ पे है स्टार्टेड, गेट स्टार्टेड, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। और इसके बाद हम यहाँ पे एनरोल नाउ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए सारे जितने भी कंट्रीज़ में अमेज़न वर्क करता है उन सब के फ्लैग्स यहाँ शो हो रहे हैं, तो हम इंडिया पे क्लिक करेंगे। और इंडिया पे क्लिक करने के बाद में जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने एक पेज ओपन हो जाएगा, तो एनरोल इन न्यू ब्रांड पे हम क्लिक करेंगे वापस। और देन आफ्टर देखिए यहाँ पे कुछ ब्रांड एलिजिबिलिटी करके आ रहा है, तो ये पूछ रहा आपसे कि डू योर प्रोडक्ट एंड पैकेजिंग हैव ए परमानेंटली एपिक्स ब्रांड नेम एंड लोगो, तो अगर है तो आप यस कर दीजिए, अदरवाइज आप नो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको ट्रेडमार्क का टाइप जो है वो फिल करना पड़ेगा कि आपने इसको वर्ल्ड मार्क में करवाया है या डिज़ाइन मार्क में करवाया है, तो हम यह फिल कर देते हैं। उसके बाद आपका जो है यहाँ पे ट्रेडमार्क का नंबर, जो भी नंबर हो आपका, वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। और उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट कंट्री जो है वो आपको सिलेक्ट करनी होगी, तो हम यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करते हैं। और देन आफ्टर उसके बाद में हम नेक्स्ट करेंगे इसको, और नेक्स्ट करने के बाद में ये वाला पेज ओपन होगा जहाँ पर कुछ जानकारी हमें जो है प्रोवाइड करवानी होगी। तो ये पूछ आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपके जो पैकेजिंग है उस पे यूपीसी कोड है, ईएन कोड है, या फिर जीटीआईएन आपने ले रखा है। तो मोस्टली सेलर्स के पास जीटीआईएन ही होता है, तो हम यहाँ पे फिल कर देंगे, यस कर देंगे जीटीआईएन के लिए। उसके बाद हमें कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट करनी है, जिस भी कैटेगरी में आपने जो है ब्रांड अप्रूव करवाया है वो यहाँ पे फिल करनी होगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे है कि इफ़ यू सेल योर प्रोडक्ट ऑनलाइन लेट अस नो वेयर, ये ऑप्शनल है, हम इसे छोड़ देते हैं। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन आपसे मांग रहे हैं कि सेलर एंड वेंडर अकाउंट इन्फॉर्मेशन जो है वो, तो आप यहाँ पे नो भी कर सकते हैं अगर आप वेंडर और सेलर नहीं हैं तो। और उसके बाद जो है नीचे देखिए मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पे देनी है, डज योर ब्रांड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, तो आप जो है यहाँ पे चाहे तो यस भी कर सकते हैं और नो भी कर सकते हैं। देन उसके बाद देखिए डज योर ब्रांड लाइसेंस ट्रेडमार्क टू अदर वू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स एसोसिएट विद योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो आप इसे नो कर दीजिए। और उसके बाद जो है वेयर इज योर ब्रांड्स प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड, कहाँ हो रहे हैं, तो हम इसके लिए इंडिया जो है वो सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि अभी मोस्टली चाइना तो बंद है ही, आपको पता है, तो हम जो है यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद में जो है हम नीचे आएंगे, स्क्रॉल करेंगे इसको, स्क्रॉल करने के बाद वेयर इज योर ब्रांड प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट, तो मोस्टली हम जो है इंडिया में ही फिलहाल सेल कर रहे हैं, जब हम ग्लोबल पे सेल करना चाहेंगे तब जो है हम इसको दोबारा से जिस भी कंट्री में करना चाहेंगे वो यहाँ पे दोबारा हम जो है फिल कर सकते हैं।
तो ये हो गया। उसके बाद हमें जो है एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी, और जैसे ही हम ये एप्लीकेशन सबमिट करेंगे विद इन ए 24 आवर्स आपके पास मेल आ जाएगी अप्रूव्ड की, और उसके बाद आप अपने ब्रांड नेम से जो है अपनी लिस्टिंग और अपने प्रोडक्ट्स जो है वो लिस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से अपने ब्रांड की ब्रांड रजिस्ट्री इजी वे में करवा सकते हैं और अपने ब्रांड के साथ अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ब्रांड रजिस्ट्री प्रोसेस की ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है, उम्मीद है ये आपके लिए यूजफुल रहेगी। तो मिलते हैं जल्दी ही एक और नॉलेजेबल और यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।